सुबह सुबह टूट गया कांच का ग्लास, ये वाला। हेलो एवरीवन, अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30। कबीर अभी स्कूल से आया है और मैं बना रही हूँ अपने लिए सिंग का सब्जी, मतलब थी ड्रमस्टिक। कबीर के लिए सुबह मैंने जयत को भी टिफिन बना कर दिया, तो उसको मैंने भिंडी का सब्जी, रोटी वो सब बनाकर उसको भेज दिया था, तो वो सब पड़ा है। तो कबीर को वो चल जाएगा और मेरे लिए मेरा फेवरेट वाला बनाया है सब्जी, वो भी मेरे हिसाब से, मतलब कि बेसन डालकर। कल रात को हम लोगों ने पिज्जा मंगाया था ना, तो कबीर सो गया था, वो बर्थडे पार्टी में गया था, तो उसने डस्टबिन में देख लिया यहाँ पर। रात को मंगा दूंगी, अभी नहीं, रात को पापा। हाँ तो चलो पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ। अभी जैसा सुबह थोड़ा सा लेट जाते हैं, तो फिर दोपहर को आने के लिए तो कभी कभार इस तरह से टिफिन बनाकर दे देती हूँ कि आज उसको काम है, दोपहर को एक मीटिंग में जाना है, इस वजह से तो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो मैंने बोला कि आप टिफिन लेकर जाओ, वहाँ पर खा लेना, तो इसलिए टिफिन बनाकर दे दिया मैंने। और वैसे टिफिन बनाकर देने में मेरा भी फायदा है कि मुझे दोपहर को लंच नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे आज मन किया था, मैंने कल सब्जी वाले के पास से लिया था सही, तो मैंने सोचा कि वो मेरे लिए बना लेती हूँ। लेकिन अब ये बोल रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा भिंडी का सब्जी या कुछ भी। ये बन गया, देख लीजिए सब्जी, मेरा बहुत ही फेवरेट वाला सब्जी है, इसलिए अकेली होती हूँ तभी कभार बना लेती हूँ, जैसे कभी नहीं खाएंगे। तो इसमें मैंने बेसन का आटा डाला है, इसकी वजह से इतना थोड़ा सा गाढ़ा बना है। थोड़ा सा धनिया पत्ता ज़्यादा डाल देती हूँ, धनिया पत्ता अभी फिलहाल सस्ता हो गया है ना, और ज़्यादातर मैं इसी तरह से काट के रख देती हूँ। तो ये रहा मेरा खाना, और साथ में है टीवी, और ये आकर देखो इस तरह से सो गया है, उसको नहीं खाना, नहीं खाना तुझे। और आप लोग देख सकते हो सोफा रख दिए है वापस, ये बड़ा वाला यहाँ पर और यहाँ पर। थोड़ा सा मन करे ना तो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए लाइफ में, तो अच्छा रहता है, लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसलिए पहले मैं करती हूँ लंच।
तीसरा दिन है लेकिन अभी तक गैस सिलेंडर नहीं आया है। और अभी पूजा का भाई और मेरा भाई दोनों आए हैं, तो उन दोनों को भेजा है गांठिया लेने के लिए और मैं बना रही हूँ चाय। तो अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। दोपहर के लिए जाना है बाहर हमें लंच करने के लिए, मतलब हमारे बड़े पापा के घर जाना है। कबीर को भेज दिया है स्कूल, ये रोज इतना साफ करती हूँ ना, फिर भी यहाँ पर इतना ज्यादा डस्ट हो जाता है ना। बाजरे का आटा ख़त्म हो गया था, सुबह ही मैंने डाल दिया था तो ये हो गया है। ठंडा हो जाए उसके बाद डब्बे में भर लेती हूँ। ये सारे बर्तन समेटने हैं मुझे, दूध आया है उसको गर्म करना है, सब्जी लिया है थोड़ा सा, और मैं सोच रही हूँ कल इवनिंग को शायद बनाऊँगी पानी पूरी, तो इसकी वजह से इतना सारा धनिया लिया है और मेथी के साथ बैंगन का भूठा, तो बैंगन लिया है मैंने। फ्रेंड्स शायद 12 बज रहे होंगे, तो आज मेरा काम तो खत्म हो गया है। कबीर को आज लंच में सुबह मैंने, वो मुझे बोल रहा था कि मम्मी मुझे आज कुछ और मत बना कर देना, सिंपल से मुझे एक दो वेफर्स या फिर बिस्किट वो देना, तो मैंने उसे वो पैक करके दे दिया था। और घर का थोड़ा सा काम था, आज इतना ज्यादा काम नहीं था, मैंने कल ज्यादातर अच्छे से साफ सफाई कर ली थी। और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला जो किचन है उसको साफ करती हूँ, तब तक कबीर भी आ जाएगा, उसके बाद हम लोग जाते हैं। हमारा आज खाना है
हमारे बड़े पापा के घर पे, तो वहां पर जाते हैं, तो वहां पर खाना खाएंगे। और उसके बाद आने के बाद आज मुझे सोना है, शायद नींद आ जाए, ऐसा सोचती हूँ ना कि मुझे आज सोना है, एक थोड़ा सा एक घंटा दो घंटा थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कराना है, लेकिन उस टाइम पर नींद नहीं आती। दो तीन दिन से थोड़ा सा माइंड ऐसे डिस्टर्ब हो गया है, तो सोचूंगी अब इस थोड़ी देर सो जाना है, तो उसके बाद। लेकिन कभी सोता नहीं, तो चार बजे उठता है, और चार बजे उठाने आता है, मम्मी अब उठ जा चार बजे, मैं कब से अकेला बैठा हूँ, और वो उसको नींद नहीं आती। तो चलिए गाइज, आज हमारा यहीं तक का व्लॉग था। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। Thank you.